तमाम मुकामात विधानसभा लोगों को यही मेरा अपील है कि आप अपना विकास देखिए। उम्मीदवार तो आज हम है, कलू है, परसू है, कलू हारेंगे, परसू हारेंगे, आज वो जीतेंगे। आप अपनी विकास और अपनी संदेश दीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके एक संदेश यहाँ से भेजिए कि आपके साथ पूरे देश है, मोकामा तो है ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोकामा में वोट दीजिए। आज सूरजभान सिंह का जो अंदाज नजर आया उससे साफ झलकता है कि सूरजभान सिंह ने एक जोरदार हमला अनंत सिंह और नीलम देवी के ऊपर कर दिया है। सूरजभान सिंह ने कहा कि मोकामा की जनता को ये नहीं देखना चाहिए कि उम्मीदवार कौन है, किसने काम किया। अगर विकास चाहिए मोकामा को तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखना चाहिए और उस पर ही वोट करना चाहिए। सुनिए कि आज सूरजभान सिंह ने किस तरीके से अनंत सिंह और नीलम देवी के ऊपर एक करारा जो हमला है वो किया है। तमाम मोकामात विधानसभा लोगों को यही मेरा अपील है कि आप अपना विकास देखिए। उम्मीदवार तो आज हम है, कलू है, परसू है, कलू हारेंगे, परसू हारेंगे, आज वो जीतेंगे, आज हम हारेंगे, इस चीज नहीं। आप अपनी विकास और अपनी संदेश दीजिए, एकता होके अपना आशीर्वाद देके, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके एक संदेश यहाँ से भेजिए कि आपके साथ पूरे देश है, मोकामा तो है ही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही सूरजभान सिंह ने दोनों नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन जो अंदाज सूरजभान सिंह का दिखा उससे साफ झलकता है कि अनंत सिंह और नीलम देवी के ऊपर आज सूरजभान सिंह ने एक जोरदार हमला मोकामा उपचुनाव के पहले कर दिया है। साफ तौर पर वोट मांगने का जो अंदाज आज सूरजभान सिंह का दिखा उसमें उन्होंने जिस चेहरे की बात की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। उन्होंने कहा कि आज मोकामा से मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ, कल कोई और होगा और परसों किसी और चेहरे को मौका मिलेगा, लेकिन आज समय है और समय की दरकार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए काम पर ही जनता को मोकामा में वोट देना चाहिए। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। जो रिश्ते अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के रहे हैं वो जग जाहिर है और आज जब उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर भरोसा जताया है, महागठबंधन की साझा उम्मीदवार नीलम देवी हैं, तो एनडीए के सहयोगी दल के नाते सूरजभान सिंह का जो अंदाज मोकामा में वोट मांगने का रहा वो साफ बताता है कि वो कहीं से भी नरम नहीं दिखने वाले। भले ही उन्होंने अनंत सिंह का नाम नहीं लिया, भले ही उन्होंने नीलम देवी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से हमला किया है वो बताता है कि इस उपचुनाव में कई और जो उलटफेर हैं वो देखने को मिलेंगे और आगे जो सियासी बयानबाजी है वो चरम पर होगा। बहरहाल लंबे वक्त के बाद पुराने अंदाज में सूरजभान सिंह दिखे हैं और गरजते हुए उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए जो वोट है वो मांगा है। उम्मीदवार कौन है ये मोकामा की जनता न देखे, वो बात उन्होंने कही और चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री का हो उस पर उन्होंने वोट देने की अपील मोकामा की आवाम से की है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस अंदाज में सूरजभान सिंह ने मोकामा की जनता से अपील की है, क्या जो चुनाव प्रचार नीलम देवी कर रही है, जो समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन पर सूरजभान सिंह का ये बयान हावी होता है या फिर जो अपार समर्थन इस वक्त नीलम देवी को मिल रहा है जिस तरीके से अनंत सिंह के फेवर में सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं वो अनंत सिंह और नीलम देवी के लिए कारगर होते हैं या फिर भाजपा उम्मीदवार के लिए सूरजभान सिंह का ये बयान। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।